हेलो गाइज, आप सभी का फिर से एक बार वाइक सॉल्व के एक न्यू यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो है PT12 ब्लूटूथ के बारे में। मोस्ट डिमांडिंग ब्लूटूथ है ये, क्योंकि बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, बहुत लोगों को इसका स्पेसिफिकेशन ठीक से पता नहीं था, तो उनके लिए ये स्पेशली हम लोगों ने वीडियो बनाया। और इसका एक खासियत है कि ये बाहर वाले साइड से लगता है, इसलिए मोस्ट डिमांडिंग है, क्योंकि इसका जो ऑपरेशनल बटन्स है वो सब बाहर वाले साइड आएगा, आपको यूनिट बाहर वाले साइड आएगा। तो मोस्टली हम लोगों ने अभी तक जितना भी ब्लूटूथ देखा था वो अंदर वाले साइड से उसका ऑपरेटिंग बटन था, मतलब आपके माइक वाले सेटअप पे चिन के साइड पे वो बटन्स मिलता था, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता था। हर बार आपको अगर ऑपरेट करना है उसको, तो आपको हेलमेट के अंदर वाले साइड हमेशा उंगली से वो बटन्स प्रेस करना पड़ता था। बट ये जो नया अभी ब्लूटूथ आया ये बाहर वाले साइड से है पूरा, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दूंगा, और ये ब्लूटूथ दिखता कैसे है और इसके फीचर्स क्या है, यूनिक फीचर्स उसके बारे में बात करेंगे, एंड प्राइस आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए पहले इसके स्पेसिफिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स दिखता है। पीछे वाले साइड अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं। तो ये वायरलेस ब्लूटूथ है, कोई भी वायर अटैच नहीं रहेगा इसमें। इससे आप म्यूजिक कॉलिंग दोनों भी कर सकते हो। हैंड्स फ्री है पूरा। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी है इसका। देन रेंज 10-15 मीटर से, ये मोबाइल रेंज है, इंटरकॉम नहीं है ये। तो अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करोगे तो मोबाइल रेंज आपको 10-15 मीटर्स मिलेगा, डिपेंडिंग आपका मोबाइल कौन सा है उस पर। देन यहाँ पे आप ट्रांसमिशन डिस्टेंस ऑफ माइक्रोफोन देख सकते हो, लेस देन 1 मीटर है ये। उसके बाद यहाँ पे आप बैटरी देख सकते हो, 500 mAh का बैटरी मिल जाएगा आपको इसमें। प्लेबैक टाइम 15-20 आवर्स है। हम लोगों ने पर्सनल टेस्ट किया था इसको, तो समवेयर अराउंड आपको 17-15 आवर्स तक इजीली मिल जाता है। कोई कोई कंडीशन डिपेंड है, आप कौन से कंडीशन में इसको यूज़ कर रहे हो, तो हम लोगों को तो 15-17 आवर्स इजीली मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसको जब भी चार्ज करना है तो आप 5 वोल्ट चार्जर से या अडेप्टर से इसको चार्ज कर सकते हो। कोई भी फास्ट अडेप्टर इसमें यूज मत करना। उसके बाद स्टैंड बाय टाइम आप देख सकते हो, 240 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम मिलेगा, और चार्जिंग टाइम लेस देन 3 आवर्स है। समवेयर अराउंड 2 आवर्स में तो ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, 2 मैक्सिमम 2.30 आवर्स, 3 आवर्स नहीं लगेगा इसको। और यहाँ पे ये डिवाइस का आप देख सकते हो पावर बटन है, देन सॉन्ग्स के लिए प्रीवियस एंड नेक्स्ट सॉन्ग्स के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड बटन्स भी दिया और LED भी दिया हुआ है। तो चलिए अभी पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये है डिवाइस, एक्चुअल डिवाइस। तो ये आपको इसके साथ मैनुअल भी मिल जाते हैं, तो अगर आपको कभी भी कुछ इशू रहेगा तो ये मैनुअल भी आप पढ़ सकते हो। फिर आपको कुछ अटैचमेंट मिल जाते हैं वेलक्रोज वाले, जो आपके हेलमेट में लग जाएंगे स्पीकर पॉकेट्स में। एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स भी दिया हुआ है, इवन माइक का डेड कैट भी दिया हुआ है नॉइस कैंसलेशन वाला, सो दैट अगर आपका ये कभी गुम हो जाता है या खराब हो जाता है या फट जाता है तो आप एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है इसमें वो यूज़ कर सकते हो। वेलक्रोज भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं एंड स्क्रूज भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। उसके बाद आपको ये यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो USB मिलता है चार्जिंग करने के लिए, तो USB साथ में आएगा। अडेप्टर इसके साथ नहीं आता है, अडेप्टर आप खुद का यूज़ कर सकते हो। और ये हो गया मेन डिवाइस, तो ये मेन डिवाइस है एंड ये इसके स्पीकर्स है जो इसको ही अटैच है, स्पीकर और माइक, तो ये सब साथ में ही आते हैं, पूरा एक ही यूनिट है ये। और पीछे वाले साइड आप देख सकते हो यहाँ पे ये अटैचमेंट है, ये आपके हेलमेट में अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं कि ये ऑपरेट कैसा होता है डिवाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पावर बटन है, ये पावर बटन को आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है 3 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे लाइट ब्लिंक होगा, ये कुछ इस तरीके से पावर ऑन हो जाता है। फिर आपको आपके ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करना है इसको। सो आप जब भी ब्लूटूथ सेटिंग में जाओगे, रिफ्रेश करोगे, तो आपको यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस, हर एक डिवाइस का अलग अलग है ब्लूटूथ सेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल डिवाइस BT12 दिखा रहा है, इसके नाम से ही आएगा BT12। आपको सिर्फ इसको कनेक्ट कर लेना है। अगर आपका एंड्रॉयड रहेगा तो यहाँ पे ये परमिशन मांगता है कॉलिंग के लिए और म्यूजिक के लिए, मतलब कॉन्टैक्ट पेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये टिक मार्क करना है और फिर पेयर करना है। आईफोन रहेगा, iOS रहेगा, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये
आपको एक आवाज भी आएगा कनेक्टेड करके, मतलब आपका डिवाइस कनेक्ट हो गया। ये सिर्फ वन टाइम ही है प्रोसेस, नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑन करोगे डिवाइस को डायरेक्टली तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, तभी आपको ये वापस करने का जरूरत नहीं है प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये कनेक्टेड दिखा रहा है ब्लूटूथ BT12, एंड कनेक्ट होने के बाद वो जो ब्लिंक हो रहा था रेड एंड ब्लू लाइट, वो सिर्फ ब्लू लाइट ही आएगा, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। इवन आपको इसमें भी वो इंडिकेशन दे देगा कनेक्ट होने के बाद कि कनेक्टेड करके। तो ये हो गया कनेक्टिविटी के बारे में। इसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 वर्जन मिलेगा। उसके बाद हम लोग अभी बात करते कॉलिंग फीचर और म्यूजिक के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेडिकेटेड बटन्स दिया हुआ है। तो ये बटन है, ये कॉल रिसीव करने के लिए बटन है। तो जब भी आपको कॉल आएगा ये सिंगल प्रेस करना है आपको, फिर आपका कॉल रिसीव हो जाएगा इस पर। अगर आपको इस अगर आपको कोई अनवांटेड कॉल नहीं लेना है, मतलब कॉल रिसीव नहीं करना है, तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा इस पर ही। और अगर आप इसको डबल प्रेस करते हो तो जो भी लास्ट डायल नंबर है वो लास्ट डायल नंबर इससे एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी पहले देखते हैं कि लास्ट डायल नंबर कैसे लगाना है वो। तो मैं इसको अगर डबल प्रेस करूंगा तो लास्ट डायल नंबर लग जाएगा। तो इस तरीके से ये लास्ट डायल नंबर लगा देगा। तो अगर आप इसको सिर्फ आपको डबल प्रेस करना है, यहाँ से इवन प्रॉम्प्ट भी हो जाएगा, जो भी लास्ट डायल नंबर आपने लगाया रहेगा वो प्रॉम्प्ट भी हो जाएगा कि लास्ट डायल नंबर एक्टिवेट हो गया है। और फिर डायरेक्टली आप लास्ट डायल जो भी आपका कॉल हिस्ट्री में रहेगा उसको डायरेक्टली कॉल लग जाएगा। तो ये एक बेस्ट फीचर है कि आपको बिना मोबाइल को टच किए आप डायरेक्टली यहाँ से ही सब ऑपरेशन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस पर कॉल रिसीव कैसे करना है वो। तो अभी मैंने दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल पर कॉल लगाया, तो आप अभी देख सकते हो कि मैं कॉल रिसीव कैसे करता हूँ। तो ये कॉल आ गया, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉल आ गया। अगर मेरे को ये कॉल रिसीव करना है तो मेरे को सिर्फ ये बटन सिंगल प्रेस करना है, और ये आप अभी देख सकते हो कॉल रिसीव हो गया। तो इस तरीके से आपको कॉल रिसीव करना है। अगर आपको ये कॉल आपका ऑनगोइंग कॉल है वो कट करना है तो इसको सिंगल प्रेस करना पड़ेगा आपको सिर्फ, और ये कॉल कट हो गया। तो इसी बटन से आप सिंगल प्रेस से कॉल रिसीव भी कर सकते हो, और जो ऑनगोइंग कॉल है उसको कट करना है तो आप कट भी कर सकते हो। अगर मेरे को कोई कॉल रिसीव नहीं करना है तो वो भी दिखा देता हूँ वो कैसे आपको कट करना है। तो वापस एक बार मैं सेम करता हूँ, इस पर कॉल लगा लेता हूँ। अगर मेरे को ये रिसीव नहीं करना है कॉल तो मेरे को सिर्फ इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो ये कॉल कट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो अभी कॉल कट हो गया। ये बटन को सिर्फ 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रख दीजिए, कॉल कट हो जाएगा। और इसमें आपको प्रॉम्प्ट भी करेगा वो कि कॉल कट हुआ है या फिर आपने कॉल रिसीव किया है या किसका कॉल आ रहा है, बट इसमें वो नाम नहीं बताता है। सिर्फ अगर आपके यू नो फोन में कुछ फीचर रहेगा जिसमें वो नाम भी प्रॉम्प्ट करे तो आप ऑन कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ वो नंबर बता देगा कौन से नंबर से वो कॉल आ रहा है वो, तो वो प्रॉम्प्ट होगा इसमें। इवन इसमें ऑटो कॉल आंसर का भी फीचर है, वो भी दिखा देते हो आपको। वापस एक बार कॉल लगाते हैं हम, और ऑटो कॉल आंसर 5 सेकंड्स में होता है। तो ये अभी कॉल चालू है यहाँ पे, ये ऑटो कॉल कर लेगा 5 सेकंड्स में, अपने आप ही कॉल रिसीव कर लेगा। तो आपको ब्लूटूथ को टच करने की भी जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो इसने ऑटो कॉल आंसर कर लिया, डायरेक्टली पिक कर लिया है कॉल। तो ये अभी देख सकते हो ये कॉल चालू है, ऑटो कॉल आंसर हो गया, मैंने कोई भी बटन इस पर प्रेस नहीं किया। तो ये भी एक बेस्ट फीचर है इसमें। इसका सिर्फ ऑटो कॉल आंसर है वो आप बंद नहीं कर सकते हो, तो ये एक डिसएडवांटेज है। बट ब्लूटूथ में ऑब्वियसली कोई भी ब्लूटूथ में मैंने अभी तक देखा नहीं है जिसमें आप ऑटो कॉल आंसर बंद कर सकते हो। तो अभी हम लोग पहले ये बटन्स के बारे में देख लेते हैं, ये ऑपरेशनल बटन प्लस और माइनस वाला। तो अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे इंडिकेशन भी दे रहा है नेक्स्ट वॉल्यूम करके, मतलब ये वॉल्यूम अप के लिए अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है। तो अगर ये बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, अगर आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है माइनस वाले बटन को, और वॉल्यूम अप करना है तो प्लस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये हो गया वॉल्यूम बटन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक कैसे करना है। अगर आप इसको सिंगल प्रेस करते हो तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा, ये आप अभी देख सकते हो
ट्रैक चेंज हो गया, अगर इसको हम लोग सिंगल प्रेस करते हैं तो प्रीवियस ट्रैक पे चला जाते हैं, ये आप देख सकते हो। ये अभी मैं यूट्यूब पे प्ले कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास कोई म्यूजिक प्लेयर रहेगा तो उसमें भी सेम वर्क करेगा ये। ये अभी नेक्स्ट ट्रैक पे चला गया और ये प्रीवियस ट्रैक के लिए। तो ये हो गया वॉल्यूम बटन के बारे में। इसमें और एक खासियत है ये बटन में, तो अगर आप माइनस बटन को डबल प्रेस करते हो तो गूगल या सीरी असिस्टेंट कुछ भी रहने दो वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई भी कमांड दे सकते हो, अगर आपको किसी को कॉल करना है या फिर म्यूजिक प्ले करना है कोई, या फिर लोकेशन कोई सर्च करना है, तो आप डायरेक्टली इसको कमांड दे दीजिए। यहाँ से आप कमांड देके आपको बिना मोबाइल को टच किए सब डायरेक्ट हो जाएगा इस ब्लूटूथ की मदद से। तो ये एक बेस्ट पार्ट है इसका, तो इसमें आपको गूगल सीरी एक्टिवेशन में मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके फीचर्स के बारे में बात। और अगर आपको ये हेलमेट पे लगाना है डिवाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ना पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन डायग्राम के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आपको हेलमेट में अटैच करना है ब्लूटूथ को, ये इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप एक बार अगर इसके इंस्टॉलेशन मैनुअल के साथ गो थ्रू करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले इसके बारे में कि इसको हेलमेट में अटैच कैसे करना है, वो तो प्रॉबेबली वो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में ही रहेगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसको हेलमेट में भी कैसे अटैच करना है। सो ये हो गए ब्लूटूथ के बारे में बात। तो इसका और एक यूनिक फीचर बता देता हूँ आपको कि ये ब्लूटूथ है, ये आप बारिश में भी यूज़ कर सकते हो। ऑल दो ये वाटर रेजिस्टेंट है, बट हम लोगों ने जितना टेस्ट किया है अभी वाले बारिश में कुछ भी इशू नहीं आया था। इवन हेवी रेनफॉल भी रहने दो, आराम से हम लोग 7-8 घंटा राइड कर रहे थे इस ब्लूटूथ के साथ, और 7-8 घंटा ब्लूटूथ चालू था, कोई भी इशू नहीं आया। बट एक ही सिर्फ ये था कि जहाँ पे हम लोग को नॉर्मल वेदर कंडीशन में 15-17 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल रहा था, वहाँ पे बारिश में वो हम लोग को 13 आवर्स तक मिला था बैटरी बैकअप। तो बारिश में थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम मिला था, बट अगेन नॉर्मल कंडीशन में 15-17 आवर्स ये बैटरी बैकअप इजीली दे देता है, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो अभी इसके प्राइस रिलेटेड बात करते हैं, तो ये आपको कॉस्ट जाएगा 2899, और मतलब 2900 रुपीज आपको कॉस्ट जाएगा। इसमें डिलीवरी चार्ज इंक्लूड नहीं है, तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, समवेयर अराउंड 99 रुपीज ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें डिलीवरी चार्ज। तो ये हो गए कॉस्टिंग के बारे में बात। फिर आते हैं इसका वारंटी के बारे में। तो इसमें आपको 6 मंथ्स का वारंटी मिलेगा, बट सिर्फ ब्लूटूथ पे वारंटी मिलता है, आपको माइक या फिर स्पीकर सेट में कोई भी वारंटी नहीं मिलता है। सो बाय चांस अगर आपका माइक बंद गिर जाता है, कुछ इशू हो जाता है, तो उसका वारंटी नहीं है। बट अगर आपने रिसेंटली परचेस किया होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, तो आप हमें बता सकते हो आपका एग्जैक्ट इशू क्या क्या आया है उसमें। तो उसके उसको हम लोग पहले देखेंगे, कंपनी के साथ बात करेंगे, और जो भी हम लोग की साइड से आपको सपोर्ट मिल सकता है वो सपोर्ट दे देंगे। अगर एक्सचेंज हो सकता है तो हम लोग एक्सचेंज भी करवा के दे देंगे। बट अगर आपका डिवाइस बंद गिरता है या डिवाइस का कोई बटन स्मॉल फंक्शन कर देते हैं, ऐसा कुछ इशू आ जाता है, तो वो आपको वारंटी के अंडर कंसिडर हो जाएगा और आपको न्यू पूरा डिवाइस मिल जाएगा, इंक्लूडिंग स्पीकर सेट एंड माइक। ओके, सो दैट्स इट विद द BT12 ब्लूटूथ। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए रहेगा इसके रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भी DM कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम ID है BikersVault, जो नीचे फ्लैश हो गया होगा, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9619579990। अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना होगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको कुछ भी अगर ऑर्डर करना रहेगा तो आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिए, वहाँ पे भी हम लोग गाइड कर देंगे आपको। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपके सारे जो इंक्वायरीज थे वो सॉल्व हो गए होंगे। सिर्फ एक इंक्वायरी अभी बाकी है कि इसको हेलमेट पे कैसे अटैच करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया था, मैनुअल में है। बट अगर आपको मैनुअल में भी नहीं समझता होगा तो आप हमें हम लोग इसके बारे में एक न्यू वीडियो बनाने ही वाले हैं कि इसको हेलमेट में कैसे अटैच करना है, डिटेल वीडियो रहेगा, तो उसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट विद दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा,
तो नीचे लाइक बटन है, वो लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, और उसके बाजू में आपको सब्सक्राइब बटन भी मिलेगा, वो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ एक बेल आइकन है, वो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सो जब भी हम लोग ऐसे न्यू वीडियोस लाएंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तभी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू ऑल, #gearupyourride।